नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। सो फाइनली फाइनली वो डे आ ही गया जब जियो ने अनाउंस कर दिया कि वो 6 दिसंबर से कौन कौन से प्लान लॉन्च करेगा और किस तरह से लॉन्च करेगा, कितना डाटा मिलेगा, कितने दिन की वैलिडिटी होगी और कितना महंगा आपको पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो सारे प्लान्स मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन सारे प्लान बताऊंगा, वो 6 दिसंबर यानी कल से ये सारे प्लान लागू हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए किस तरह से जियो ने अपने प्लान्स को अपडेट किए हुए हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं जियो के सारे प्लान्स। जियो ने इस प्लान का नाम दिया है जियो न्यू ऑल इन वन प्लान्स, जो 6 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। तो मैं पहले बात करता हूँ वो सारे प्लान्स की जो वन मंथ की वैलिडिटी के साथ आते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मतलब 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। हम बात करते हैं पहला प्लान जो जियो ने लागू किया है वो 199 रुपीज़ से, जिसमें आपको मिलेगा 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से मिलेगा और आपको मिलेगा 1000 मिनट अदर नंबर पे कॉल करने का। अदर मतलब जियो के अलावा आप जिस नंबर पे भी कॉल करोगे आपको वो मिनट्स 1000 मिनट्स मिलेंगे। अगर इसके बाद आप कॉल करते हो तो आपको 6 पैसे पर मिनट दिए जाएंगे। दूसरे प्लान की बात करूँ मैं तो 249 का दूसरा प्लान जियो ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको 2 GB पर डे मिलेगा और फिर 1000 मिनट अदर कंपनी में कॉल करने के लिए। और तीसरे प्लान की अगर मैं बात करूं तो 349 का है, जहां पे आपको 3 GB पर डे मिलेगा और इसमें भी सेम 1000 मिनट आपको अदर कंपनी में बात करने के लिए दिया जाएगा। और ये सारे प्लान की वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन है। हम बात करते हैं 2 मंथ के प्लान की। 2 मंथ के प्लान के साथ कंपनी ने दो नए प्लान लॉन्च किए हुए हैं, जिनकी कीमत स्टार्ट होती है 399 में। कंपनी आपको क्या देगी, 1.5 GB पर डे के हिसाब से आपको डाटा मिलेगा और अदर कंपनी में यहाँ पे आपको बात करने के लिए 2000 मिनट मिलेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और इस प्लान की वैलिडिटी होगी 56 दिनों की। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्लान की, जो 2 महीने के साथ आता है। ये आता है 444 रुपये का। 444 रुपये में आपको क्या मिलेगा, 2 GB पर डे का डाटा मिलेगा और इसमें भी अदर कंपनी में बात करने के लिए आपको 2000 मिनट मिलेंगे और इसकी भी वैलिडिटी आपको 56 दिनों की होगी। हम अब बात करते हैं 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ कौन सारे प्लान आते हैं। तो उसमें कंपनी ने 2 प्लान लॉन्च किए हुए हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 555 रुपये। 555 रुपये का अगर आप रिचार्ज कराते हो तो आपको कंपनी देती है 1.5 GB पर डे के हिसाब से डाटा और आपको जो इसमें मिनट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 3000 मिनट। जी हाँ मेरे दोस्तों, 3000 मिनट्स मिलेंगे। जो 2 महीने में आपको 2000 मिलते थे, यहाँ पे 3 महीने में 3000 मिनट्स मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी होगी 84 डेज़। और जो दूसरा प्लान लॉन्च किया कंपनी ने वो है 599 का, जहाँ पे आपको मिलता है 2 GB पर डे के हिसाब से डाटा और आपको जो फिर अगेन जो बेनिफिट मिलता है 3000 मिनट और 84 डेज़ की वैलिडिटी। इसके अलावा कंपनी ने कुछ और प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं जो आपकी 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें कंपनी आपसे ले रही है 2199 रुपये, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से मिलेगा और यहाँ पे आपको जो मिनट्स मिल रहे हैं वो 12000 मिनट्स मिल रहे हैं अदर कंपनी में बात करने के लिए और इसकी वैलिडिटी होगी 365 डेज़ की। इसके अलावा कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्लान निकाला हुआ है, जिसको कंपनी ने अफोर्डेबल प्लान्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डाटा कम मिलता है लेकिन वैलिडिटी आपको ज़्यादा मिलती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लान्स स्टार्ट होते हैं 129 से, इसमें क्या होगा कि आपको मिलेगा 2 GB का डाटा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको 28 दिन में सिर्फ 2 GB का डाटा मिलेगा पर डे के हिसाब से नहीं, ये पूरा 1 महीने का डाटा है 2 GB और यहाँ पे अदर कंपनी में बात करने के लिए आपको मिलेंगे 1000 मिनट। अब दूसरे प्लान की बात करते हैं, यहाँ पे 329 का। यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरे 84 दिनों के लिए आपको 6 GB डाटा मिलेगा, 6 GB डाटा मिलेगा और जो आपको वैलिडिटी मिलेगी 84 डेज़ की और यहाँ पे मिनट्स जो कंपनी दे रही है दूसरी कंपनी में बात करने के लिए वो है 3000 मिनट। इसके अलावा कंपनी ने ईयरली प्लान भी निकाला है, जिसको उन्होंने रेट दिया हुआ है 1299, मतलब लगभग 1300 रुपये का अगर आप प्लान लेते हो तो आपकी वैलिडिटी होगी 1 साल की। इसमें क्या मिलेगा, 1 साल में टोटल जो आपको डाटा मिलेगा वो 24 GB का डाटा मिलेगा और जो अदर नंबर पर बात करने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको 12000 मिनट्स।
तो दोस्तों ये रहे जियो के सारे नए प्लान जो 6 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान रहेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। अगर आपका डाटा ज़्यादा यूज़ होता है, आप ज़्यादा डाटा यूज़ करने वाले यूज़र हो, तो मेरे दोस्तों आप अपने 1.5 GB और 2 GB के अकॉर्डिंग प्लान्स कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़र हो जिनके घर में वाईफाई है और सिर्फ जब वो बाहर जाते हैं तब वो डाटा यूज़ करते हैं, उनकी डाटा की खपत कम है लेकिन वो बात ज़्यादा करते हैं, तो मेरे दोस्तों 329 का प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको वैलिडिटी ज़्यादा मिल रही है और सेम 3000 मिनट्स मिल रहे हैं जो आपको 555 वाले प्लान में मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका डाटा कम यूज़ होता हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल आपको 329 का रिचार्ज कराना चाहिए। आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।